वीडियो चालू करने से पहले एक चीज ये देख लेते हैं। क्या, क्या क्या चल रहा है? विक्की की जगह पे कैटरीना, कैटरीना की जगह पे विक्की। ये एक्सचेंज ऑफर वाला सिस्टम मस्त था। हेलो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपके चैनल में। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और आज हम ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसके लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब इंटरेस्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 2। तो रिव्यू करते हैं इसका। इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी शुरू होती है तांत्रिक से, ब्लैक मैजिक से, सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से। तो मेरे को पहले ऐसा लगता है कि साला ये तो पहले हमने किधर देखा हुआ है, तो हमको नया क्या देखने मिला यार। आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे एक मिस्ट्री क्रिएट होते जाती है और भूल भुलैया की एक अलग ही दुनिया हमें देखने को मिलती है। इंटरवल से पहले रूह बाबा जो कार्तिक आर्यन बने हैं उनकी स्टोरी इंटरवल से पहले तक की दिखाई जाती है, और उसके बाद की स्टोरी आपको देखने के लिए भूल भुलैया 2 देखनी पड़ेगी। ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन है 2 घंटे 23 मिनट, जो आपको चकड़े रखेंगे, पकड़े रखेंगे। और कॉमेडी और हॉरर की बात करें तो वो स्क्रीन प्ले में आएगा, तो स्क्रीन तक जाते हैं। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले लिखा है आकाश कौशिक ने और डायलॉग लिखे हैं फराज सामजी ने। स्क्रीन प्ले इसका इतना रावस है और इतना जकड़ा और रकड़ा करता है, जहाँ पे ये स्क्रीन प्ले ऐसा काम करता है ना, समोसा में चटनी का काम करता है। ती आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। सीन्स की बात करें तो हॉरर और कॉमेडी ये दोनों जॉनर है, तो हॉरर का जो पार्ट है इतना इंट्रिगिंग और इतना डरावने वाला है, जो चिल्स और थ्रिल्स देता है। कॉमेडी के पार्ट में 50% कॉमेडी काम करती है और 50% कॉमेडी नहीं काम करती, ऑनेस्टली बोलूँ तो। स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूँगा आकाश कौशिक का, जो राइटर है इस फिल्म के, बंदे ने जो लिखा है क्लाइमैक्स, वो आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा और ऐसी कंडीशन कर देगा। देखिए एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो देखते हुए एक की डायलॉग आता है, क्यों हिला डाला ना। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली भूल भुलैया में अक्षय कुमार और विद्या बालन, अक्षय कुमार एज अ साइकेट्रिस्ट एंड विद्या बालन एक मेंटल इलनेस की पेशेंट थी, तो उनके कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग लिखे गए थे जो ऑडियंस को ऐसा दिल पे कनेक्ट किया था भाई। और इस भूल भुलैया में एक जो कैरेक्टर है जो मुझे लगा बहुत ही स्ट्रांग लिखा गया, वो है टबू मैम का कैरेक्टर। टबू मैम ने अपने कैरेक्टर में जो जान डाली है ना, क्या एक्टिंग किया है भाई, क्या एक्टिंग किया। सल्यूट टू तबू मैम। कार्तिक आर्यन शाइन्स, क्लाइमैक्स में वो बंदे ने फाड़ डाला, पर्दे फाड़ दिए, खा डाला, चबा डाला और फेंक डाला पूरा। जो क्लाइमैक्स में जो डांस किया है एकदम बवाल था भाई, उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लग रही थी, जो देखने के लिए एकदम मैच्योरिटी से भरा लग रहा था। और ह्यूमर वाले डायलॉग्स जो कि यार हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और कार्तिक आर्यन राजा मानुस निकला भाई, कहूंगा क्लाइमेक्स में तबू मैम और कार्तिक आर्यन ने झंडे गाड़ दिए भाई। केआर आडवाणी शाइन्स इन हिज कैरेक्टर एंड लुक्स वेरी इनोसेंट एंड हॉट। जो केमिस्ट्री है कार्तिक आर्यन की, सही में एकदम बवाल और मचान लग रही थी। दूसरे स्टार्स है संजय मिश्रा, राजपाल यादव और अश्विनी जी, जिन्होंने एकदम रावस काम किया है। देखने जाए तो राजपाल यादव के इतने सीन्स नहीं थे, बट जितने सीन्स थे एकदम मतलब स्माइल देके जाते हैं वो। तो ओवरऑल भूल भुलैया 2 इज अ मास मसाला फैमिली एंटरटेनर फिल्म, जो कि आपको फैमिली के साथ देखने जानी चाहिए। और मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने फिल्म देखी है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, और मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।